गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की भरमार, विभागीय अधिकारी नोटिस देकर कर रहे हैं ड्यूटी को इतिश्री। नोटिस के बावजूद अभी तक नहीं हुए बंद गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय, धड़ल्ले से संचालित हैं विद्यालयों की दुकान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज अंतर्गत निचलौल ब्लॉक की बात किया जाए तो 66 विद्यालयों को बंद करने के लिए नोटिस दिए गए हैं, परंतु अब तक किसी विद्यालय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे विद्यालयों का संचालन हो रहा है। कुछ विद्यालयों की हालत तो पोल्ट्री फार्म से भी बदतर है। अब सवाल यह उठता है कि विभाग नोटिस देकर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है या मजाक? इस तरह के रवैये से अभिभावक भी असमंजस में पड़े हुए हैं कि कौन विद्यालय चलेगा, कौन बंद होगा। यदि हम शासनादेश की बात करें तो स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि नोटिस प्राप्त के 3 दिन के अंदर विद्यालय बंद नहीं होते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये पेनाल्टी के तौर पर देने होंगे। यदि हम निचलौल ब्लॉक की बात करें तो 27 जुलाई 2018 को कुल 66 विद्यालयों को बंद करने हेतु नोटिस दिया जा चुका है, परंतु सारे विद्यालयों का संचालन चल रहा है। इसके पहले भी पिछले सत्र में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों को मानक पूरा कर मान्यता के लिए समय विभाग द्वारा दिया गया था, किंतु अभी तक 66 विद्यालयों के प्रबंधक मानक पूरा करने में विफल रहे। तो क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? अगर बच्चों के भविष्य को देखा जाए तो क्या बच्चों का आने वाला भविष्य सही होगा या गलत? क्यों नहीं विद्यालय पर हो रही कार्रवाई? यदि नहीं होनी है कार्रवाई तो बार बार नोटिस देकर प्रबंधकों को क्यों किया जा रहा गुमराह? नौनिहाल बच्चों और अभिभावकों के साथ क्यों खेला जा रहा खिलवाड़? इस मामले को इंडिया पावर न्यूज़ की टीम ने संज्ञान में लेते हुए BEO निचलौल से पूछताछ किया, तो देखें इस संदर्भ में क्या कहते हैं BEO निचलौल। इंडिया पावर न्यूज के साथ महाराजन से सुरेंद्र रावत की रिपोर्ट। ब्लॉक में गैर मान्यता विद्यालय कितने विद्यालय चल रहे हैं जो मान्यता नहीं है? पूर्व में नोटिस दी गई थी 66 विद्यालयों को, आखिरी रिमाइंडर दिया गया, जिसमें से हो सकता है कुछ विद्यालयों के बीच की अवधि में मान्यता मिल गई, तो वो सूचनाएं संकुल प्रभारियों द्वारा कब तक आ जाए? क्या सर उसका कितना मानक है कि अगर उनको मान्यता मिलती है तो उसका कोई मानक सर भवन जमीन अग्निशमन NBC कोड सर्टिफिकेट प्रशिक्षित अध्यापक ये सभी मानक और सभी पैरामीटर पूरा करने के उपरांत शासन के विनिर्दिष्ट नियमों के तहत की मान्यता दी। कितने दिन का उन लोगों का मौका दिया जा रहा है और कितना जुर्माना लगाया जा रहा? जुर्माना लगाने का जैसा कि प्राविधानित शासनादेशों में 10,000 रुपये प्रतिदिन निर्धारित जरूरत के बाद और अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये जो 3 और कप्लेन का मकान में और बिल्डिंग नहीं है, फिर भी वो विद्यालय चला रहे हैं। लोगों को उसके लिए प्रयासरत है की बंद, लेकिन कुकुरमुत्ते की तरह से तमाम स्कूल आज खुलते हैं कल गायब हो जाते हैं। जब कोई जाता मौके पर तो विद्यालय चलते हुए नहीं मिलते, खबर मिल जाती कहीं से भाग जाते, ऐसी स्थितियों में छापामारी की तरह से स्कूल चलाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता? फिर भी हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई संस्थान जो गैर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा संचालित न हो। सर अभी कितने विद्यालय इंटर कॉलेज जो 8 तक ले मान्यता उनके पास है, इंटरमीडिएट चला रहे हैं, जो आपसे कोचिंग के नाम पर के कोचिंग के नाम पर इंटर मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इस नाते उस पर मैं कुछ नहीं बता सकता। आपको मुझे जानकारी ODL साहब के लिए उसकी जानकारी। कोचिंग जो ले रहे हैं लोग सर, इसमें क्या कोचिंग का जो लाइसेंस होता है या यूँ कहिए कि कोचिंग की जो परमिट होती चलाने नहीं से विद्यालय के नाम से ही विद्यालय का नाम बदल के कोचिंग सेंटर लिखवा के
बोर्ड लगा के इस तरह का विद्यालय चल रहा है। उसके लिए उन्होंने अपना परमिट लिया होगा, उसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय परमिट देते हैं। उसका सर भी कोई समय तो निर्धारित होगा किस समय कोचिंग का होता, तो और अब इस बारे में जो कोई मुझे जानकारी विशेष नहीं है, चूँकि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का प्रधान उनके अधिकार क्षेत्र।